सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में आप लोगों का एप्पल को हम लोगों ने लगभग पॉलिनाइजर का कॉन्सेप्ट, कलर डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट और एक और कौन सी चीज पढ़ी थी हमने, क्या पढ़ा था? तीन चीजें पढ़ा हुआ था हमने, एक पॉलिनाइजर, एक कलर डेवलपमेंट और एक और कोई चीज थी, आई थिंक पीजीआर है ना। तो इतनी चीजें हम लोगों ने एप्पल में पढ़ ली। एप्पल में ये सारी चीजें पढ़ने के बाद अपने को ये समझ में आया कि कलर डेवलपमेंट में एक तो सबसे पहली बात यह है कि इथाइलिन का इम्पोर्टेंट रोल होता है, और दूसरा चीज यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर हमने लास्ट में टॉपिक क्लोज करते हुए ये देखा था कि कौन कौन से ऐसे ऑपरेशन हैं जिसके थ्रू हम कलर डेवलपमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें हमने देखा था मल्चिंग, एक मल्चिंग एक ऑपरेशन था जिससे हम लोग कलर डेवलपमेंट इंक्रीज कर सकते थे। दूसरा हमने देखा था फ्रूट टर्निंग करके भी हम इंक्रीज कर सकते थे। तीसरा हमने देखा था लीफ प्रूनिंग, इसके थ्रू भी कहीं ना कहीं कलर डेवलपमेंट इंक्रीज होता है। चौथा हमने देखा था पीजीआर, जिसमें आपका इथाइलिन का कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट रोल था कलर डेवलपमेंट करने में, है ना। इसके अलावा भी कई सारे मेथड्स हो सकते हैं। लास्ट हमारा जो था वो था क्या, बैगिंग। बैगिंग करके भी हम कलर डेवलपमेंट कर सकते हैं, ये चीज याद है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। आप लोगों ने बैगिंग टेक्निक कई अलग अलग जगहों पे देखा होगा। बैगिंग का उपयोग सबसे पहले इमेस्कुलेशन करने के बाद करते हैं, इमेस्कुलेशन करने के बाद हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम में हम बैगिंग करते हैं ताकि कहीं बाहर से कोई कंटेमिनेशन ना आ जाए पोलन के थ्रू, एक ये हम लोग करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में, एक बैगिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है। दूसरा आप लोगों ने देखा होगा कई बार गुआवा वगैरह में, देखिए गुआवा वगैरह में भी हम लोग बैगिंग टेक्निक करते हैं ताकि उसमें कोई स्पॉट्स ना आ जाए और वो जो है कहीं ना कहीं आपके फर्दर भविष्य में एक्सपोर्ट मार्केट के लिए सुटेबल हो, प्रॉपर प्राइस मिले, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तीसरा चीज हम लोग कई बार इंसेक्ट या डिजीज के डैमेज से बचाने के लिए भी बैगिंग करते हैं, ये चीज देखा है आप लोगों ने। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट सकिंग मोथ के बारे में सिट्रस में पढ़ा होगा कि बैगिंग करते हैं ताकि फ्रूट सकिंग मोथ या फ्रूट फ्लाई वगैरह का अटैक ना हो कई सारे अलग अलग क्रॉप, ये चीज जानते हैं आप सभी लोग। तो बैगिंग के पर्पसेस अलग अलग हैं और अलग अलग पर्पस के हिसाब से अलग अलग टाइप के बैग्स या अलग अलग टाइप की चीजें अपन यूज करते हैं, ठीक है। तो बैगिंग एक टेक्निक है जिसमें हम किसी भी चीज को एक बैग के अंदर, पेपर बैग या जो भी आप लोग यूज करते हो वो बैग के अंतर्गत हम लोग उसको एनक्लोज करके रखते हैं ताकि उसमें बाहरी किसी चीज का अटैक ना हो। फॉर एग्जाम्पल किसी इंसेक्ट का अटैक ना हो, कोई एनवायरमेंटल स्पॉट्स या कोई कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, बाहर के पॉलन ना आ जाए फ्लावर में हाइब्रिडाइजेशन के दौरान, ऐसे कई अलग अलग उपयोग हो सकते हैं बैगिंग के। सिमिलरली वन ऑफ द मेजर यूज ऑफ बैगिंग क्या है कि आप बैगिंग का उपयोग कलर डेवलपमेंट के लिए भी कर सकते हैं। बैगिंग का उपयोग किसके लिए कर सकते हैं, कलर डेवलपमेंट, और कलर डेवलपमेंट मतलब यूनिफॉर्म कलर डेवलपमेंट। कलर तो ऐसे भी डेवलप हो जाता है पर यूनिफॉर्मली उसको डेवलप करने के लिए, यूनिफॉर्म कलर डेवलपमेंट के लिए भी आप लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। सभी ग्रुप में एक एक कोई मैसेज डाल दीजिए। पोमोलॉजी वाले ग्रुप में सुधा आप मैसेज डाल दीजिए कि ज्वाइनिंग आप लोग अभी कंटिन्यू कर सकते हैं, और इधर क्या नाम है आपका सत्यपाल, अपने ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए कि ज्वाइनिंग अभी भी हो रही है, तो जो जो जितना भी टाइम मैसेज लिंक मिलेगा ज्वाइन कर लेंगे। और इधर नवीन या मिथिलेश आप मैसेज डाल दीजिए कि ज्वाइनिंग कर सकते हैं कंटिन्यू, तीनों ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए, ठीक है। ओके, डाल दीजिए उसको ताकि सारे लोग ज्वाइन करें, लेट हो गए करके ज्वाइन ना करें, ऐसा कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो बैगिंग के अलग अलग उपयोग हो सकते हैं जिसमें से एक अपन क्या करते हैं कलर डेवलपमेंट का, प्रॉपर कलर डेवलपमेंट के लिए भी हम लोग जो है यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कल हमने देखा कि जो हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया होते हैं, याद है हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में लाइट इंटेंसिटी प्रॉपर होती है कि नहीं, तो लाइट इंटेंसिटी प्रॉपर होने के कारण वहां प्रॉपर कलर डेवलप होता है। पर वहीं पे हम लोग अगर लो एल्टीट्यूड वाले एरिया में आ जाए, लो एल्टीट्यूड यानी कि जहां की ऊंचाई कम, वहां पे डस्ट पार्टिकल और मॉइस्चर होने के कारण यूवी रेडिएशन कहीं ना कहीं आपके एब्जॉर्ब हो जाते हैं, प्लांट को उतना नहीं मिल पाते जिससे कि कलर डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता, याद है ये चीज, कुछ पूछ रहे क्या, ठीक ये चीज याद है सभी लोगों को। यस सर, यस सर।
तो अगर मान के चलो कि मैं हायर एल्टीट्यूड में हूँ तो प्रॉपरली कलर डेवलप हो रहा है, पर मैं अगर लोअर एल्टीट्यूड में हूँ और मेरे यहाँ एप्पल प्रॉपरली ग्रो हो रहा है, ये चिलिंग रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है उसकी और प्रॉपर ग्रोथ आ जा रहा है, बट ड्यू टू डस्ट पार्टिकल एंड मॉइस्चर मेरे यहाँ कलर प्रॉपरली डेवलप नहीं हो रहा है, तो इतना अच्छा एप्पल का कल्टिवेशन होने के बावजूद लैक ऑफ कलर डेवलपमेंट के कारण, कलर डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाने के कारण मैं उसको अच्छे प्राइस में नहीं बेच पाऊंगा, तो मेरे यहाँ कितनों अच्छा एप्पल कल्टीवेशन हो प्लेन्स में या कम एल्टीट्यूड वाले ऊंचाई में, अगर कलर ही सही से डेवलप नहीं होगा तो प्राइस मिलेगा ना, है कि नहीं? ये होगा यस समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो उस केस में मैं कुछ ऐसी चीजों का जुगाड़ करने की कोशिश करूंगा जिससे कहीं ना कहीं लोअर एल्टीट्यूड में जहां पे एप्पल का कल्टीवेशन सक्सेसफुली किया जा सकता है या जहां पे एप्पल प्रॉपरली कल्टीवेट हो रहा है, ठीक ठाक फ्लावरिंग आ रही है, ठीक ठाक फ्रूटिंग आ रही है, वहां पे भी कलर प्रॉपरली डेवलप हो जाए, क्योंकि बाकी सारी चीज तो हो रही है, अब कलर बस और अच्छे से डेवलप हो जाए तो कहीं ना कहीं मुझे एक प्रॉपर प्राइस मिल जाएगा और एक स्कोप खुल जाएगा न्यू क्रॉप का। आप लोग पढ़े होंगे ना इकोनॉमिक्स में कि डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत जरूरी है एग्रीकल्चर में, आप सिंगल पर्टिकुलर क्रॉप के पीछे नहीं बैठ सकते, तो आप कहीं ना कहीं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करने में हेल्पफुल होगा अगर लोअर एरिया में भी एप्पल प्रॉपरली कल्टीवेट हो। समझ पा रहे हैं इस चीज को? तो लोअर एल्टीट्यूड वाले एरिया में कलर को डेवलप करने के लिए आप बैगिंग टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होता है प्रॉब्लम, क्योंकि जहां आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता आप उसको सॉल्यूशन कैसे खोजोगे, या मैं आपको बैगिंग टेक्निक बता भी दूंगा तो आप समझोगे नहीं उस चीज को, समझ तो जाओगे कि यूज कैसे होता है पर उसका एप्लीकेशन कहाँ करना है उसको कैसे समझोगे। तो देखो अगर हम बात करें हायर एल्टीट्यूड की, जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस किए, तो हायर एल्टीट्यूड में कलर डेवलपमेंट अच्छे से होता है या नहीं होता है? होता है तो जहां पे ऑलरेडी अच्छा कलर डेवलप हो रहा है वहां पे मुझे कलर डेवलपमेंट ट्रीटमेंट करने की जरूरत है क्या? नो सर, सर, नो सर, सर। वहां पे नॉट रिक्वायर्ड, वहां उतना जरूरत नहीं है। हाँ, और अल्ट्रा बेस्ट कलर डेवलप करना तो बात अलग है, अदरवाइज रिक्वायरमेंट नहीं। वहीं पे मैं अगर कहूँ लोअर एल्टीट्यूड की बात, तो लोअर एल्टीट्यूड में कलर कैसा डेवलप होता है, गुड या बैड? बैट बैट मतलब पुअर कलर डेवलप होता है। तो यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता है कि नहीं है? सर, है ना, ताकि कलर प्रॉपरली डेवलप हो। अब ये ट्रीटमेंट के रूप में हम क्या बोलते हैं कि बैगिंग का उपयोग कर सकते हैं, ट्रीटमेंट के लिए हम बैगिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए हम कलर डेवलपमेंट के लिए बैगिंग का उपयोग करते हैं, जबकि हायर एल्टीट्यूड में रिक्वायर्ड नहीं था। क्या रिक्वायर्ड नहीं था? बैगिंग, क्योंकि उतनी आवश्यकता नहीं है, फालतू खर्चा क्यों करते, लेबर खर्चा पेपर खर्चा सब है। ठीक है, अब एक बात बताओ, हायर एल्टीट्यूड में अच्छा जो कलर डेवलप हो रहा था रीजन क्या था? टेम्परेचर, गुड लाइट इंटेंसिटी, सनलाइट अच्छा था, जिसके कारण क्या होता, यूवी रेडिएशन इसको प्रॉपर अमाउंट में मिल पा रहा था, है कि नहीं? यूवी रेडिएशन के कारण कहीं ना कहीं प्रॉपरली स्ट्रेस फील हो रहा था पौधे को, क्लोरोफिल डिजनरेट हो रहे थे ना, यस और क्लोरोफिल डिजनरेट होने के कारण कहीं ना कहीं आपके फ्लेवेनॉइड्स का सिंथेसिस हो रहा था। कल हमने ये चीज को डिस्कस किया था, फ्लेवेनॉइड यानी कि एंथोसाइनिन कहीं ना कहीं इसको बचाने के लिए डेवलप हो रहे थे और कलर प्रॉपरली डेवलप हो रहा था। याद है ये हाँ चीज? मैं फ्लो चार्ट में बना रहा हूँ, आप लोग डिटेल में सर, लिखना, ठीक है? भले रिकॉर्डिंग देख के लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज समझ में आया आप लोग को कि क्या रीजन था? क्योंकि भाई हायर एल्टीट्यूड में प्रॉपर सनलाइट है, यूवी रेडिएशन है, जिसके कारण कहीं ना कहीं क्लोरोफिल डिजनरेट हो रहा है और फ्लेवेनॉइड का सिंथेसिस हो रहा है और कलर डेवलप हो रहा है। बट अगर वही हम लोअर एल्टीट्यूड में आ जाए तो यहाँ पे रीजन क्या है प्रॉपर कलर डेवलप ना होने का? यहाँ पे सनलाइट प्रॉपर है क्या? नो सर, नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं डस्ट पार्टिकल जो है वो यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। यूवी रेडिएशन क्या हो जा रहा है? एब्जॉर्ब बाय डस्ट। इसके कारण क्या हो रहा एंड है? हाँ, मास्ट डस्ट एंड मॉइस्चर, है ना? इसके कारण कहीं ना कहीं जो आपका स्ट्रेस पड़ना चाहिए क्लोरोफिल पे वो क्या हो जा रहा है? रिड्यूस हो जा रहा है। ये देखो रिड्यूस हो जा रहा है। स्ट्रेस रिड्यूस होने के कारण फ्लेवेनॉइड का सिंथेसिस क्या हो जा रहा था? रिड्यूस हो रहा था और कहीं ना कहीं कलर भी
उतना अच्छा से डेवलप नहीं हो पा रहा था। मतलब लोअर एल्टीट्यूड में हमारी समस्या क्या है कि भाई यूवी रेडिएशन का प्रॉपर अवेलेबिलिटी नहीं है। तो हम जो है दो चीजें कर सकते हैं, या तो यूवी रेडिएशन की मात्रा बढ़ा दें, या तो इस कम यूवी रेडिएशन में भी कलर डेवलप हो जाए, ऐसी कंडीशन क्रिएट कर दें। ये दो चीज कर सकते हैं, समझ पा रहे हो? ये देखो यस जो जो कहानी सुन रहे हैं उसका एक मतलब है, और वो तब समझ में आएगा जब आप इस कहानी को ढंग से सुनोगे। तो इन्वॉल्व होने की कोशिश करो, क्योंकि तभी बैगिंग का एक्चुअल यूज सुनोगे, अदरवाइज तो बैगिंग कलर डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, इतना ही सवाल है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। समझ में आ रहा? तो ये जो हम लोग रीजंस दो स्टडी किए, इसके हिसाब से क्या समझ में आया? कलर डेवलपमेंट के लिए हायर एल्टीट्यूड में कारण क्या है, क्या चीज बढ़िया है वहां? प्रॉपर सनलाइट, लाइट इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी। लाइट में भी पर्टिकुलरली कौन सा? अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट। वहीं पे लोअर एल्टीट्यूड में प्रॉब्लम क्या आ रहा था? डस्ट एंड मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर दे रहे हैं लाइट को। तो कहीं ना कहीं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कंसंट्रेशन रिड्यूस है, इसलिए पैची फॉर्म में कलर डेवलप हो रहा है, प्रॉपर कलर डेवलप नहीं हो रहा है। तो अब अगर मुझे लोअर एल्टीट्यूड में भी कलर डेवलप प्रॉपरली करना है, तो मैं क्या 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 कर सकता हूँ, मैं क्या किया जा सकता है, बताइए। क्योंकि कलर डेवलपमेंट टोटली डिपेंडेंट है टेम्परेचर और यूवी रेडिएशन पे। टेम्परेचर है तभी प्रॉपर हर चीज हो रही है, यूवी रेडिएशन का इश्यू आ रहा है लोअर एल्टीट्यूड में, तो क्या किया जा सकता है बताओ। बताइए, अरे सोचो, कुछ तो सोचो। या तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे लाइट में, तो उसके लिए आपको डस्ट वस्ट हटाना पड़ेगा, मॉइस्चर हटाना पड़ेगा, या अलग से यूवी रेडिएशन सेटअप लगाना पड़ेगा, वो हार्मफुल हो सकता है। और डस्ट वस्ट हटाना इतना आसान नहीं है, तो आप यूवी रेडिएशन के कंसंट्रेशन को तो बढ़ा नहीं सकते। दूसरा चीज आप क्या कर सकते हो कि कुछ ऐसे कंडीशन क्रिएट कर दो पौधे में कि ये जो कम मात्रा की यूवी रेडिएशन है, हाई हायर एल्टीट्यूड में जाएंगे तो यूवी रेडिएशन की मात्रा ज्यादा है, और लोअर एल्टीट्यूड में रहेंगे तो ये जो यूवी रेडिएशन की मात्रा कम है, तो वहां ज्यादा मात्रा होने के कारण प्रॉपर कलर डेवलप हो रहा है। हम कुछ प्लांट में ऐसा कंडीशन क्रिएट करें कि लोअर एल्टीट्यूड में ये जो कम मात्रा की यूवी रेडिएशन है, उसमें भी कलर वैसा ही डेवलप हो जैसा हायर एल्टीट्यूड में होता है, पहाड़ों में होता है, तो उससे हमारा काम बन जाएगा। ये चीज किया जा सकता है, यस इसी के लिए बैगिंग टेक्निक का उपयोग करते हैं। यहाँ भी क्या उपयोग आएगा? बैगिंग, बैगिंग में हम क्या करते हैं, डबल लेयर्ड पेपर बैग का उपयोग करते हैं, ठीक है, डबल लेयर पेपर बैग का उपयोग करते हैं, ठीक है। कब करते हैं इसको याद रखेंगे, कितना लेयर, डबल लेयर। क्या करते हैं, फ्रूट को हम बैगिंग कर देते हैं, फ्रूट को हम लोग क्या कर देते हैं, बैगिंग करते हैं। कब करते हैं, 1 month आफ्टर फुल ब्लूम। जैसे ही फूल आ जाता है पौधे में पूरा, ये आपका फूल है, ये आपके पौधे हैं, इसमें ये मान लो ये फूल है, तो ये फूल जैसे ही आ गया तो 1 महीने बाद कहीं ना कहीं इसमें पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी और थोड़ा बहुत फ्रूट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, है कि नहीं? तो जैसे ही फ्रूट थोड़ा बहुत डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, डबल लेयर पेपर बैग को ऐसे लगा देते हैं। समझ में आ रहा? यस हाँ या ना, समझ आ रहा है? नहीं आ रहा भाई? सर, यस सर, आ रहा है सर। ठीक है, तो फ्रूट में क्या करेंगे, जैसे ही 1 महीना हुआ, फुल ब्लूम यानी कि प्रॉपर ब्लूमिंग आ गई, फ्लावरिंग आ गई, 1 महीने बाद हम क्या करते हैं, फ्रूट को बैगिंग कर देते हैं। 1 महीने बाद क्यों करते हैं, पहले ही क्यों नहीं करते हैं, तुरंत क्यों नहीं कर देते फुल ब्लूम आने के बाद? बताइए। फ्रूट डेवलपमेंट तो होगा सर, पॉलिनेशन, अगर तुरंत कर देंगे तो भाई देखो क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है, पॉलिनेशन किधर से होगा, पॉलन जा ही नहीं पाएगा, इसलिए पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन के लिए प्रॉपर 1 महीने का टाइम दिया जाता है, उसके बाद ये करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका, 1 महीने के बाद हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें डबल लेयर पेपर से इसको अपन जो है ढक देते हैं। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं इस फ्रूट को, ये जो फ्रूट या फूल जो भी है वो जो डेवलप होना स्टार्ट किया, कल के डेट में तो फ्रूट ही बनेगा, ये फ्रूट को मैं डबल लेयर पेपर से पूरा ढक दिया, तो इस फ्रूट के पास सनलाइट पहुंचेगा कि नहीं? फ्रूट के स्किन में सनलाइट नो पहुंचेगा नहीं, पेपर ढकूंगा तो? सर,
नहीं पहुंचेगा। नहीं पहुंचेगा। अब जब सनलाइट पहुंचता है तो पौधा प्लास्टिक के अंदर एक तो प्लास्ट का डेवलपमेंट करता है, क्या प्लास्ट कहते हैं उसे जब सनलाइट होता है? क्लोरोप्लास्ट। है ना, क्लोरोप्लास्ट डेवलप करता है, और इसके डीजनरेशन में क्या डेवलप होता है? क्रोमोप्लास्ट। पर कल हमने एक चीज पढ़ा था कि अगर किसी प्लांट के ऑर्गन के पास सनलाइट ना पहुंच पाए, यानी कि कौन सा कंडीशन हो, कंप्लीट अंधेरे का कंडीशन हो, तो क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट की जगह क्या डेवलप हो जाता है? टीटीओप्लास्ट एटीओप्लास्ट। डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो टीटीओ, एक मिनट रुकिए, तो अगर इटियोप्लास्ट डेवलप हो गया, देखो क्या हुआ कि हमने जो है पहले फोटोसिंथेसिस, पहले जब लाइट इसमें अवेलेबल था, देखो ये एप्पल का एक प्लांट है और ये एप्पल का एक प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट में हमने बैगिंग नहीं किया हुआ है, तो इसमें क्या हो रहा है, प्रॉपर सनलाइट आ रहा है, तो इस प्लांट में क्या होगा, किस चीज का डेवलपमेंट होगा? क्लोरोप्लास्ट का। जबकि यहाँ बैगिंग कर क्लोरोप्लास्ट। दिया है, यहाँ पे कंटिन्यूअसली कौन सा कंडीशन है, डार्क कंडीशन है फ्रूट के उस पर्टिकुलर सेक्शन में, है कि नहीं? तो यहां पे किसका डेवलपमेंट होगा? इटियोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के कारण कहीं ना कहीं फ्रूट जो है वो ग्रीन कलर के लिए क्या होता है, जबकि इटियोप्लास्ट के डेवलपमेंट होने के बाद आप देखोगे कि जो आपका जो फ्रूट है वो व्हाइट कलर का हो जाता है, एकदम व्हाइट कलर का। समझ में आ रहा, व्हाइट पील, व्हाइट कलर का छिलका डेवलप करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन सा प्लास्ट का डेवलपमेंट हो गया है बताइए? इटियोप्लास्ट। इटियोप्लास्ट। अब एक बात बताओ, हमको ऐसी क्या कौन सी जरूरत पड़ गई होगी कि हम क्लोरोप्लास्ट की जगह इटियोप्लास्ट? भाई देखो, हम बैगिंग कर रहे हैं, मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? डार्क कंडीशन देना। डार्क कंडीशन क्यों देना चाह रहे थे? ताकि इटियोप्लास्ट डेवलप हो। लाइट के प्रेजेंस में तो क्लोरोप्लास्ट डेवलप होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, ये व्हाइट कलर का है, तो कोई तो ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे होंगे ना, तभी तो हम बैगिंग का एक्स्ट्रा खर्चा झेल रहे हैं। तो होता क्या है कि ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, ये कहीं ना कहीं इटियोप्लास्ट के कंपैरिजन में यूवी रेडिएशन के लिए टॉलरेंट होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रेजिस्टेंट होता है, कंपैरिजन अगर इटियोप्लास्ट से करें तो इटियोप्लास्ट के कंपैरिजन में ये ज्यादा मात्रा में यूवी रेडिएशन को झेल सकता है, जबकि इटियोप्लास्ट बहुत ज्यादा ससेप्टिबल होता है किसके लिए, यूवी रेडिएशन के लिए। समझ पा रहे हैं इस चीज को? समझ आ रहा? यस हाँ, स्पेशली जो 200 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर, यानी कि यूवी ए और यूवी बी जो होते हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा ससेप्टिबल होता है कौन? इटियोप्लास्ट। अब होता क्या है, इसको समझिए, हम क्या करते हैं कि हमने क्या किया, जैसे ही हमको क्या बोलते हैं कि फुल ब्लूम आया, अब इस प्रोसेस को समझिए, फुल ब्लूम आया तो हमने क्या कर दिया, डबल लेयर्ड बैग को हमने क्या कर दिया, फ्रूट के ऊपर डाल दिया, फुल ब्लूम के 1 मंथ आफ्टर, 1 मंथ आफ्टर, एक बार फुल ब्लूम आया उसके 1 महीने बाद जब छोटे छोटे फ्रूट बन जाते हैं, तब हमने क्या कर दिया, एक डबल लेयर्ड पेपर बैग को हमने डाल दिया। डबल लेयर्ड पेपर बैग के कारण क्या हुआ, सनलाइट आती थी लेकिन वापस चली जाती थी, और अंदर में पूरा डार्क कंडीशन हो गया, जिसके कारण अंदर में क्या डेवलप हो गया, इडियोप्लास्ट डेवलप हो गया। जो ग्रीन कलर का ले छिलका होना चाहिए वो कौन से कलर का हो गया, व्हाइट कलर का हो गया, है कि नहीं? समझ में आ रहा? अब क्या हुआ, जैसे ही ये व्हाइट कलर का डेवलप हो गया, हार्वेस्टिंग करने से 1 महीने पहले, हार्वेस्टिंग करने से 1 मंथ बिफोर, 1 महीने पहले हम क्या करते हैं, आउटर लेयर को रिमूव कर देते हैं, ताकि थोड़ा बहुत लाइट अंदर जाए और अब पौधे में कहीं ना कहीं लाइट पहुंचना चालू हो। 1 महीने पहले हम लोग क्या करते हैं, लाइट को हम लोग जो है मतलब आउटर लेयर को रिमूव कर देते हैं। समझ में आ रहे हैं? डबल लेयर था ना। और हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे क्या? ठीक। और उसके बाद हार्वेस्टिंग से जस्ट 1 वीक बिफोर, हार्वेस्टिंग से कितना पहले, 1 हफ्ते पहले, सेकेंड लेयर को भी रिमूव कर देते हैं, सेकेंड लेयर को भी
रिमूव कर देते हैं और फ्रूट जो है क्या हो जाता है, एक्सपोज्ड टू सनलाइट। फ्रूट जो है अब डायरेक्टली एक्सपोज हो गया किसके लिए, सनलाइट के लिए। अब आप खुद सोचो, जिस आदमी को 15 दिन से आप अंधेरे कमरे में बंद करके रखे हो या एक दिन भी बंद करके रखे, उसको अचानक से सनलाइट में लाओगे तो उसका आंख जो है बैलेंस नहीं हो पाता। थोड़ा टाइम लगता है आंख को बैलेंस होने में अंधेरे से निकलने के बाद धूप में। ये सोचो इस फ्रूट की डेवलपमेंट जब से हुई है, शुरुआत से ये अंधेरे में रहा है और कहीं ना कहीं इसके अंदर अंधेरे में रहने के हिसाब से इटियोब्लास्ट का डेवलपमेंट हो गया है। अब अचानक से आप इसे सनलाइट से एक्सपोज करोगे तो ये इटियोब्लास्ट तो ऑलरेडी ससेप्टिबल टू यूवी रेडिएशन है ना। अब पहले अगर नॉर्मल क्लोरोफिल की बात करते तो ज्यादा मात्रा में यूवी रेडिएशन लगता था उसको डिजेनरेट करने में, पर ये तो कम मात्रा के यूवी रेडिएशन में भी कहीं ना कहीं उतना ही डिजेनरेशन शो कर देगा जितना पौधा में नॉर्मल हायर हिल्स में होता है क्लोरोफिल के साथ। समझ पा रहे हो, जैसे ही आप फ्रूट को एक्सपोज करोगे सनलाइट के, उसमें सनलाइट में मौजूद यूवी रेडिएशन क्या करेगा, आके इटियोप्लास्ट को पूरा क्या कर देगा, या वो व्हाइट पील के लेयर को क्या करेगा, पूरा डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। समझ में आ रहा, यूवी रेडिएशन के कारण क्या होगा, डैमेज करना स्टार्ट होगा। डैमेज करना स्टार्ट होगा तो क्या क्या प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे, फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। और फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होने से हो रहे मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है। तो पौधा क्या चाहेगा कि कैसे भी करके मैं इस फ्री रेडिकल डेवलपमेंट वाले प्रोसेस से बच सकूं, है कि नहीं। और पौधा क्या करेगा, तुरंत फ्लेवेनॉइड का सिंथेसिस करेगा जिसमें आपका एंथोसाइनिन भी सिंथेसाइज होगा और इसके कारण कलर डेवलप हो जाएगा। हालांकि अगर आप बैगिंग नहीं करते तो नॉर्मल क्लोरोफिल को इतने कम यूवी रेडिएशन में डिजेनरेट कर पाना पॉसिबल नहीं था, और वहां पे ये इतना ज्यादा मात्रा में फ्लेवेनॉइड का सिंथेसिस नहीं होता, एंथोसाइनिन का सिंथेसिस नहीं होता और कलर डेवलप नहीं होता। पर चूंकि हमने क्लोरोप्लास्ट को पहले ही इटियोप्लास्ट में डेवलप कर दिया है जो कि क्लोरोफिल से कहीं ज्यादा सेंसिटिव है यूवी रेडिएशन के लिए, इसलिए इतने कम मात्रा के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में भी उतना ही डिजेनरेशन हमको देखने को मिल रहा है जितना हायर हिल्स में बहुत ज्यादा मात्रा के यूवी रेडिएशन में देखने को मिलता है। इसीलिए बैगिंग का उपयोग करते हैं अपन किसके लिए, कलर डेवलपमेंट के लिए, और इसका उपयोग जनरली हम जो है लोअर हिल्स में करेंगे, हायर हिल्स में जरूरत नहीं। समझ में आया? यस सर। प्रोसेस समझ में आया सभी लोगों को? यस सर। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि आज जरूरत है, क्यों करते हैं? मतलब देखो, आपको रीजनिंग असर्शन हर टाइप की एबिलिटी डेवलप करनी है अपने अंदर, हर टाइप की क्वेश्चंस आपसे बनने चाहिए, एटलीस्ट जितने टॉपिक आप पढ़े उतना तो बने, बाकी तो आखिरी में जय माता दी, जो मन में आए वो तुक्का लगा के आना ही है। समझ में आ रहा? तो बैगिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। नोट कर पाए प्रॉपरली? यस सर। समझ में आता है वो लिखना हमेशा, ये नहीं कि जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ वो लिखने की जरूरत नहीं है, जो आपने समझा वो लिखो, क्योंकि वही समझ में आएगा आपको आज से 10 साल, एक महीना दो महीना बाद जब आप रिवीजन करोगे, ठीक है। तो ये आपका कलर डेवलपमेंट एंड बैगिंग का पूरा। हाँ बोलिए। कौन सा? जो सर फोन चार्ट में बता रहे हैं उसको एक बार और बताइए ना, वो वाला। ये वाला देखो सब नीचे वाला, ये कौन नीचे वाला, जो जो फ्लो में थी, ये नहीं सर, ये ऊपर वाली, थोड़ी ऊपर वाली था सबसे शुरू वाली, ये वाली। यस सर, ये वाली। यस सर, इसमें कुछ नहीं, इसमें वही डिस्कस कर रहे थे कि भाई रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी बैगिंग टेक्निक की, या क्या रिक्वायरमेंट है। तो अपने पता है हाई हिल्स में अगर अपन जाते हैं तो वहां सनलाइट भरपूर मात्रा में होती है, यूवी रेडिएशन अच्छे मात्रा में होती है, इसके कारण हमारा जो क्लोरोफिल होता है उसके ऊपर प्रॉपर स्ट्रेस पड़ता है, यूवी रेडिएशन क्लोरोफिल को जाके डीजेनरेट करता है, वहां पे फ्री रेडिकल का डेवलपमेंट करता है, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया करता है। तो पौधा अपने आप को बचाने के लिए फ्लेवेनॉइड का सिंथेसिस करता है। फ्लेवेनॉइड क्या करते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं, ये ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया से रोकते हैं और पौधे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में जो फ्लेवेनॉइड डेवलप करते हैं उसी फ्लेवेनॉइड में से एक फ्लेवेनॉइड है एंथोसाइनिन, और कहीं ना कहीं कलर डेवलपमेंट हो जाता है।
चूंकि अपने को हायर एल्टीट्यूड में यूवी रेडिएशन की भरपूर मात्रा मिलती है, जिसके कारण स्ट्रेस प्रॉपरली पड़ता है और फ्लेवोनॉइड सिंथेसिस होता है, इसलिए कहीं ना कहीं जाके कलर प्रॉपरली डेवलप होता है, कहाँ, हायर एल्टीट्यूड में। पर लोअर एल्टीट्यूड की बात करें तो लोअर एल्टीट्यूड में तो आपका जो है सनलाइट की मात्रा या सनलाइट में यूवी रेडिएशन की मात्रा उतनी ज्यादा हो नहीं पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि इसको डस्ट और मॉइस्चर कहीं ना कहीं अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब डस्ट और मॉइस्चर के द्वारा यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गया है तो ऑब्वियसली सामने वाले प्लांट को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कम मात्रा में मिल रही है। कम मात्रा में मिल रही तो फ्री रेडिकल डेवलपमेंट और ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया भी कम हो जाती है और स्ट्रेस जो है क्लोरोफिल पे कम पड़ता है। क्योंकि पौधे को कम मात्रा में स्ट्रेस पड़ रहा है, कम मात्रा में ऑक्सीडेशन और ये हो रहा है, तो वो कम मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में फ्लेवेनॉइड को बनाएगा। और इसी में एंथोसाइनिन है, तो कम मात्रा में फ्लेवेनॉइड बना मतलब कम मात्रा में एंथोसाइनिन बना और कहीं ना कहीं कलर डेवलपमेंट भी रिड्यूस हुआ। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि या तो हम इस कम मात्रा के यूवी रेडिएशन में भी उतना ही फ्लेवेनॉइड का सिंथेसिस करवा के प्रॉपर कलर डेवलप करवा ले, या तो यूवी रेडिएशन की मात्रा बढ़ा लें। यूवी रेडिएशन की मात्रा बढ़ाने के लिए तो अपने पास कोई खास टेक्नोलॉजी है नहीं, तो हम क्या करते हैं कम मात्रा में ही ऐसा कुछ कुछ प्रोसेस हो जाए जिससे कि अपना कलर डेवलप हो जाए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि क्लोरोप्लास्ट उतना ज्यादा ससेप्टिबल नहीं है यूवी रेडिएशन के लिए, तो हम इटियोप्लास्ट का डेवलपमेंट करते हैं। वो इतने कम मात्रा के यूवी रेडिएशन में भी कहीं ना कहीं वो सेम इफेक्ट दे देता है। तो वही चीज को इस फ्लो चार्ट में समझाना चाह रहा था कि बैगिंग का जरूरत कैसे पड़ा या क्या कहाँ हमको ज्यादा उपयुक्त है बैगिंग का उपयोग करना। समझ में आ रहा है? यस सर। सर अगर हम लोग बैगिंग कर रहे हैं तो उसमें सुगर एक्युमुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? बैगिंग में कौन सा प्रॉब्लम? सर सुगर एक्युमुलेशन का, क्योंकि अगर सनलाइट नहीं पड़ रही है तो। हाँ देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि सुगर एक्यूमुलेशन का क्या प्रॉब्लम हो सकता है। पर एक बात बताइए, आप लोगों को तो पता है कि ये फ्रूट है, मान लो फ्रूट में फोटोसिंथेसिस होता है, नो डाउट। पर अगर फ्रूट में फोटोसिंथेसिस ना हो बैगिंग होने के कारण, तो भी इसको तो शुगर मिलना ही है। कहाँ से मिलना है? इन पत्तियों से। ये जो अल्टीमेटली इसको फ्रूट तो इन पत्तियों से ही मिलना है ना खाना, समझ रहे हो? ये जो पत्तियां जो है ये सोर्स के रूप में काम करती हैं। फ्रूट तो अपने आप में एक सिंक ही है ना, ये कहीं ना कहीं इन पत्तियों में जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो फ्रूट फूड का स्टोरेज होता है, शुगर हो, प्रोटीन हो, या जो भी पर्टिकुलर कंपाउंड हो, वो बनते तो इन पत्तियों में है। न्यूट्रिएंट आते तो पूरे रूट से हैं और उसको कहीं ना कहीं फ्रूट जो है एब्जॉर्ब करता है, तो शुगर एक्यूमुलेशन का उतना इश्यू नहीं आता है, क्योंकि इसके सोर्स ही कौन है? पत्तियां हैं। समझ में आ रहा है? आप हमेशा देखना जब फ्रूट थिनिंग करते हैं ना, तो एक कॉन्सेप्ट जब आप मास्टर्स में आओगे तो पढ़ोगे कि फ्रूट थिनिंग करते समय हमें ये खास ध्यान कर देना पड़ता है कि एक फ्रूट के पीछे कितनी पत्तियां होनी चाहिए। लगभग 20 पत्ती, 20 लीफ पर फ्रूट, डिपेंड करता है, अलग अलग फ्रूट में अलग अलग होता है। कहीं पे 15 फ्रूट होता है, कहीं पे 12 बंच पर बंच होता है, अलग अलग देख देख के है। 20 लीफ पर फ्रूट ऑन एन एवरेज हमको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि 20 लीफ में जितना फोटोसिंथेसिस होता है वो कहीं ना कहीं एक फ्रूट के डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ऐसा माना जाता है। कुछ कुछ फ्रूट्स की बात है, एप्पल में ज्यादा 20 लीव, समझ रहे हो? तो लीव रेस्पॉन्सिबल होते हैं आपके शुगर एक्यूमुलेशन के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं होता है उससे। ठीक है, ये किसका क्वेश्चन था? ये वाला सर मेरा सुमन का। सुमन। ओके ठीक, यहां तक चीजें समझ में आई सभी लोगों को? यस सर। ठीक, अब अपन जो है आगे स्पेशियल प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे। स्पेशियल प्रॉब्लम इन एप्पल कल्टीवेशन। एप्पल कल्टीवेशन में तीन स्पेशल प्रॉब्लम आपको पढ़ना है। पहला प्रॉब्लम है जिसे हम कहते हैं लो प्रोडक्टिविटी इन एप्पल। दूसरा प्रॉब्लम है रीप्लांट प्रॉब्लम। तीसरा प्रॉब्लम है आपका प्री मेच्योर लीफ फॉल, और एक शॉर्ट में पढ़ने के लिए अल्टरनेट बियरिंग हैबिट। ये चार स्पेशल प्रॉब्लम है एप्पल कल्टीवार में जिसको आपको पढ़ना है। इसमें से रीप्लांट प्रॉब्लम और प्रीमेच्योर लीफ फॉल का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अल्टरनेट बियरिंग का कॉन्सेप्ट आप लोग लगभग मैंगो में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हम उसको फास्ट ट्रैक में रिवाइज करेंगे। पर ये जो लो प्रोडक्टिविटी नेपल है, हो सकता है इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, पर इसके कारण जब आप पढ़ोगे तो आपको कई सारी ऐसी कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे या कई सारी चीजें समझ में आएंगी आपको, जो टेम्परेट क्रॉप में लोअर प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और कहीं पे रीजनिंग या सरसन या तुक्का मारने वाला कंडीशन आएगा तो ये प्रॉब्लम आप लोगों को वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी। तो एक एक करके ये चारों प्रॉब्लम पढ़ते हैं आज, ठीक है? अपन कोशिश करेंगे 7:30 8:45 तक आज क्लासेस लें, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंटली बैठिएगा क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग होती है, यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, यहाँ पे आधे घंटे में क्लास खत्म हो जाएगी, रिकॉर्डिंग में 1.5 घंटा 2 घंटा लग जाएगा, ठीक है? तो ये चीज अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम आता है लो प्रोडक्टिविटी इन एप्पल, कि एप्पल के बड़े बड़े बागान लगे हुए हैं, प्रॉपरली सारा चीज है, पर डे बाय डे या फिर आप देख पाते हो कि बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस में एप्पल में प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं आ रहा है। प्रोडक्टिविटी लिखा हुआ है, देखो लो प्रोडक्शन में लिखा है, मतलब पर यूनिट एरिया 1 हेक्टेयर में या 1 एकड़ में हमको जितना प्रोडक्शन मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है ना एप्पल में। तो वो लो प्रोडक्टिविटी की जो प्रॉब्लम है, मतलब प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया जो इतना कम आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, उस कारण को हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, ठीक है? तो ये जो मेलोडी आपको देखने को मिल रही है, ये क्या है? लो प्रोडक्टिविटी इन एप्पल, मतलब एप्पल में प्रोडक्शन क्यों कम आ रहा है, उसको जानने की कोशिश की गई है। तो इसके जो कॉजेज हैं वो क्या क्या हैं, वो आपको स्टडी करना है। तो इसमें सबसे पहला कॉज आ जाता है क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक में क्या प्रॉब्लम आता है? लो टेम्परेचर का। अगर मान के चलो फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग के टाइम में टेम्परेचर लो है, तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं आपका जो है फ्रूट सेट जो है अफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, टेम्परेचर अगर 15 डिग्री सेल्सियस से कम गया फ्लावरिंग के टाइम में, ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम आएगा? बी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। समझ में आ रहा है? बी एक्टिविटी रिड्यूस होगा तो पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन हो पाएगा क्या? नो सर, यस और नो, कुछ समझ में आ रहा है कि फिर मैं लिखाना चालू करूं? आ रहा नो सर, सर, आ रहा सर, हाँ है ना, तो हाँ नहीं कुछ बोलोगे? 4.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास अगर टेम्परेचर चला गया तो बी एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है, कंप्लीटली बंद हो जाती है, ठीक है? वहीं पे अगर टेम्परेचर 2.2 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया तो फ्लावर की डेथ होनी चालू हो जाती है, फ्लावर किल्ड हो जाती है। तो देख रहे हो, फ्लावरिंग के टाइम में अगर लो टेम्परेचर हो तो क्या क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने के बाद से प्रॉब्लम स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इन सब कारणों से अगर आपका एप्पल कल्टीवेशन कर रहे हो और फ्लावरिंग के टाइम में लो टेम्परेचर हो गया, तो कहीं ना कहीं आपका ये जो पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो रिड्यूस हो जाता है। क्लियर है? यस सर, दूसरा रेनफॉल, अगर फ्लावरिंग के टाइम में रेनफॉल हो जाए तो रेनफॉल होने के कारण क्या हो जाता है? क्रॉस पोलिनेशन रिड्यूस हो जाता है। क्यों रिड्यूस हो जाता है? क्योंकि बी एक्टिविटी अपने आप में रिड्यूस हो जाता है, पानी गिरेगा तो हनी भी थोड़ी बाहर निकलेगी, और इन सभी कारणों की वजह से कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में कमी आती है एप्पल के। समझ में आया पहला प्रॉब्लम? यस सर, दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है? वेराइटल फैक्टर। वेराइटल फैक्टर का मतलब क्या है कि वेराइटीज में अलग अलग प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश की बात करें तो लगभग 80% जो ऑर्चर्ड हैं एप्पल के जो 80% ऑर्चर्ड हैं वहां पे डिलीशियस ग्रुप लगा हुआ है, और डिलीशियस ग्रुप की खासियत ये है कि ये सेल्फ अनफ्रूटफुल होते हैं, अनफ्रूटफुल कह लूँ या सेल्फ इनकम्पेटिबल होते हैं, जिसके कारण ये जो है खुद से तो फ्रूटिंग कर नहीं सकते, तो इनको क्रॉस पोलिनेशन की जरूरत पड़ती है अदर वैरायटी के साथ। तो चूंकि लगभग ऑर्चर्ड में आपने जो है सेल्फ अनफ्रूटफुल या इनकम्पेटिबल वैरायटी लगाया हुआ है पुराने जमाने से, तो कहीं ना कहीं फ्रूट सेट में कमी आएगी कि नहीं आएगी? समझ में आ रहा? यस सर,
तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, एप्पल में अल्टरनेट बियरिंग की समस्या पाई जाती है, और ये अल्टरनेट बियरिंग की समस्या और बढ़ जाती है जब आप इसमें जिब्रेलिन जैसे हार्मोनों का उपयोग को बढ़ा देते हो। तो अल्टरनेट बियरिंग भी कहीं ना कहीं एक कारण है कि प्रोडक्टिविटी कम आ रही है, कि भाई पर यूनिट एरिया 10 साल का प्रोडक्शन निकालोगे तो 5 साल तो उसने फ्रूटिंग की ही नहीं है, केवल 5 साल फ्रूटिंग की है और अगले 5 साल नहीं किया है अल्टरनेट बियरिंग के कारण। तो प्रोडक्शन तो ठीक है, प्रोडक्टिविटी कम आएगा कि नहीं आएगा पौधे का। तो अल्टरनेट बियरिंग और आपका सेल्फ अनफ्रूटफुल वेराइटी का कल्टीवेशन, कहीं ना कहीं ये दोनों ही कारण है लोअर प्रोडक्टिविटी के लिए। सिमिलरली अगर आप तीसरा बोलो कि चलो ठीक है, आपने लोअर आपने जो है अनफ्रूटफुल वेराइटी लगा भी दी, तो भी आप जो है उसमें पोलिनाइजर का उपयोग करके उसे ठीक कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कैसे बताइए। कर सकते हैं सर। यस सर। कर सकते हैं। उसके बावजूद क्या होता है कि जो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के पुराने जो कल्टीवेटर्स हैं वो केवल और केवल 5 से 10% तक पॉलिनाइजर का उपयोग करते हैं। आप बताओ 5 से 10% पॉलिनाइजर जो है क्या जस्टिफाइड है? नो सर। तो आपको नो कितना सर। करना चाहिए, एटलीस्ट 25 से 33% 33। तक का पॉलिनाइजर होना चाहिए। तो इतने पॉलिनाइजर का उपयोग करना चाहिए, जबकि यूज कितना हो रहा था ट्रेडिशनली 5 से 10%। तो ये भी कहीं ना कहीं एक लो प्रोडक्टिविटी के कारण था। सिमिलरली लगभग जगह पे पॉलिनाइजर वैरायटी के रूप में, पॉलिनाइजर वैरायटी के रूप में किसका उपयोग करते थे, गोल्डन डिलीशियस का। गोल्डन डिलीशियस के साथ समस्या ये है कि जो बाकी डिलीशियस ग्रुप है, रेड डिलीशियस, स्टार्किंग डिलीशियस, ठीक है, उनकी फ्लावरिंग और गोल्डन डिलीशियस की फ्लावरिंग एक साथ नहीं आती, सिंक्रोनाइज नहीं है, एक दूसरे को प्रॉपरली ओवरलैप नहीं करता। मतलब आप सोचो मार्च के एंड में उनका जो है फ्लावरिंग खत्म हो रहा है और इसमें मार्च के एंड में स्टार्ट हो रहा है, तो कितना ही क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगा बताओ, समझ रहे हो। तो पोलिनाइजर वेराइटी हमें ऐसा चुनना पड़ेगा जो कि एक दूसरे के साथ फ्लावरिंग को सिंक्रोनाइज करे, ओवरलैप करे। गोल्डन डिलीशियस कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइज नहीं कर पाता, इसलिए भी हमको पुअर फ्रूट सेट देखने को मिलता था। समझ में आ रहा है कारण? यस पांचवा, पेस्टिसाइड एप्लीकेशन। आप इतना ज्यादा पेस्टिसाइड एप्लीकेशन कर दे रहे हो कि पॉलिनेटर ही मर जा रहे हैं, पॉलिनेटर डेथ हो जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, पॉलिनेशन अफेक्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये भी एक कारण है। उसके बाद छठवां कारण क्या हो सकता है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कमी के कारण भी होता है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल का कल्टीवेशन कहाँ होता है, मेनली प्लेन्स में होता है या स्लोप में होता है? स्लोप स्लोप में होता है। अब स्लोप होने के कारण वाटर और स्लोप में न्यूट्रिएंट की कमी होती है। हाँ, स्लोप में होने के कारण वाटर एंड न्यूट्रिएंट लॉस कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। आप एक चीज को इमेजिन करो, आप जो है एक कटिंग में ऐसा फ्लैट कटिंग मारते हो और एक ऐसा मारते हो, सरफेस एरिया किसका ज्यादा होता है, स्लोप वाला की फ्लैट वाला? स्लोप स्लोप वाले का। अब जहां पे सरफेस एरिया ज्यादा है तो वहां से वाटर लॉस, वाटर एब्जॉर्प्शन सब कुछ ज्यादा होगा। अगर गर्मी के मौसम में वाटर लॉस होना है तो बहुत ज्यादा होगा, और बरसात के मौसम में वाटर एब्जॉर्ब करना है तो बहुत ज्यादा होगा, है कि नहीं, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा मिल रहा है कि नहीं, समझ पा रहे हैं? तो होता क्या है, जो ड्राई स्पेल होता है साल का, ड्राई स्पेल यानी कि जिस समय सूखा पड़ता है, जैसे कि कब से कब के बीच में पड़ेगा, अप्रैल से जून के बीच में पड़ेगा, ठीक है, और वैसे ही सितंबर से अक्टूबर के बीच में पड़ेगा। इस दो ड्यूरेशन में सूखा बहुत ज्यादा पड़ता है और पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है जमीन में, क्योंकि भाई ऑलरेडी स्लोप ही लैंड है तो पानी की कमी तो होनी ही है, क्योंकि ज्यादा एरिया मिलता है ड्राई स्पेल में, मॉइस्चर लॉस होने का। तो क्या होता है, अप्रैल से जून और सितंबर से अक्टूबर के बीच में क्या हो जाता है, वाटर की कमी हो जाती है, वाटर रिड्यूस हो जाता है। अब अगर जमीन में वाटर ही रिड्यूस हो गया है तो क्या पौधा न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर पाएगा? नो सर। है ना, तो इससे क्या हो जाता है, न्यूट्रिएंट अनअवेलेबल हो जाता है और पौधा
ना कहीं न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट कंडीशन में चला जाता है, तो वो प्रॉपरली फ्रूट डेवलप नहीं कर पाता है। दूसरा चीज, अगर मैं बात करूं रेनी सीजन की, तो रेनी सीजन कब पड़ता है? जुलाई अगस्त में। जुलाई अगस्त में इतना ज्यादा पानी गिरता है कि पानी के साथ एब्जॉर्ब होके, पानी के साथ घुल के जो न्यूट्रिएंट है वो लीचिंग के थ्रू लॉस कर देते हैं, लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट हो जाता है, जिसके कारण फिर पौधे को जो है क्या होता है आपका प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता। तो ये भी एक कारण है जिसके कारण पुअर प्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो कोशिश यही करना है कि ड्राई स्पेल में भाई आप जो है प्रॉपर पानी दो ताकि अच्छे से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो, रेनी सीजन में प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटी रखो ताकि लीचिंग का प्रॉब्लम ना हो। समझ में आ रहा? यस सर। ओके, इन चीजों को शॉर्ट शॉर्ट में आप लिख के रखे रहो, काम आएगा। ठीक, ऐसे ही और क्या समस्या हो सकती है? तो आपका सॉइल कंडीशन, सॉइल कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि अगर मान के चलो ड्रेनेज नहीं है, मान लो नो ड्रेनेज, ड्रेनेज नहीं है मतलब कौन सा कंडीशन क्रिएट होगा? वाटर लॉक्ड कंडीशन क्रिएट होगा। जैसे ही वाटर लॉक कंडीशन हुआ तो क्या होगा, जो फीडर रूट्स हैं, फीडर रूट ऑफ प्लांट, उसकी क्या हो जाएगी, डेथ होगी, है कि नहीं? डेथ क्यों होगी? क्योंकि भाई जब जब वाटर लॉगिंग कंडीशन आएगा ये रेस्पिरेशन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? नो सर, नो सर। रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे, पानी के जमा होने से रेस्पिरेशन की प्रक्रिया रुक जाती है। अब जब रेस्पिरेशन ही रुक गया तो फीडर रूट तो मर गए, और फीडर रूट मर गए तो क्या वहां पास न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होंगे? क्योंकि यही तो एब्जॉर्ब करने वाले लोग थे। समझ नो सर। तो ये क्या कर देंगे, रेस्ट्रिक्ट कर देंगे अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट के अपटेक को आपका क्या कहता है, रिड्यूस हो जाता है। फिर जब वाटर लॉगिंग कंडीशन हट जाएगा तो अब नया फीडर रूट बनेगा, तो भले वहां पास आपका फिर से न्यूट्रिएंट लॉस होगा। तो इन सब तरीकों से जो है कहीं ना कहीं पौधे में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ऐसे ही इंसेक्ट डिजीज की बात करें तो इंसेक्ट डिजीज के कारण भी होता है, अगर बार बार एप्पल स्केब आएगा तो फ्रूट तो झड़ेगा, या फिर आपका एफिड का अटैक हो गया, सेंजोस स्केब हो गया, ये सब इंसेक्ट कहीं ना कहीं प्रोडक्शन को रिड्यूस करने का काम करते हैं, और इन सभी के कारण आपका जो है फ्रूट में कंडीशन ऐसा डेवलप होता है कि प्रोडक्शन सही नहीं होता। और भी बहुत सारे रीजन है, पुअर कैनोपी मैनेजमेंट है, फिनाइल ऑर्चर्ड है, पर कहीं ना कहीं ये चीज आपको जानना जरूरी था कि आप कैसे कैसे रिलेट कर सकते हो। अगर क्वेश्चन पेपर में आता है व्हाट व्हाट आर द प्रोबेबल रीजंस, या व्हाट कि एप्पल में पुअर प्रोडक्शन के क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, तो आपको वहां पे रिलेट करना है कि हाँ भाई इस तरीके से भी ये जो है प्रोडक्शन को रिलेट, प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर सकता है। ऐसा नहीं कि लो टेम्परेचर ड्यूरिंग द फ्लावरिंग इससे कैसा इफेक्ट पड़ेगा, तो लो टेम्परेचर देके सीधा चिलिंग रिक्वायरमेंट में मत पहुंच जाना। टाइमिंग क्या बोल रहा है वो भी समझना है कि भाई वो दिसंबर के समय का लो टेम्परेचर बोल रहा है या मार्च अप्रैल का पूछ रहा है। तो ऑन दैट बेसिस आपको जज करना है कि ये पर्टिकुलर कंडीशन में फ्लावरिंग फ्रूटिंग अच्छी होगी बुरी होगी। समझ में आ रहा है? तो आप लगभग सारे एंगल से सोचिएगा क्वेश्चंस के आंसर, आई डोंट थिंक उसके बाद गलत होने की ज्यादा उम्मीद रहेगी। ठीक है, क्लियर यस सर। है? ओके, तो ये आपका कहीं ना कहीं पुअर प्रोडक्शन इन एप्पल था। अगर एक बार एक काम करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि अगर मैं क्लाइमेट की बात करूं तो लो टेम्परेचर के कारण क्या होता है बताइए, तुरंत तुरंत जवाब दीजिए ताकि अपन नेक्स्ट टॉपिक में जा फ्लावरिंग सकें। क्योंकि आप, हाँ बताइए। इफेक्ट हो जाती फ्लावरिंग है, फ्लावरिंग फ्लावरिंग इफेक्ट होता है, बी एक्टिविटी अफेक्ट होती है, फ्लावर किल हो जाते हैं, टेम्परेचर आप लोगों ने नोट कर लिया है। रेनफॉल से क्या असर पड़ता है? क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है, इंक्रीज हो एक्टिविटी जाता है प्रोडक्शन की क्योंकि बी एक्टिविटी रिड्यूस हो एक्टिविटी रिड्यूस जाती हो है। जाता है क्योंकि बी एक्टिविटी रुकती है। वैराइटल फैक्टर में क्या क्या है? अल्टरनेट बियरिंग से होता है, और दूसरा सेल्फ अनफ्रूटफुल से है सेल्फ इनकम ना। इसको ठीक करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, क्या लगाना पड़ता है? पॉलिनाइजर, पॉलिनाइजर वैराइटीज लगाना पड़ता है। नॉर्मली लगाना चाहिए 25 से 30%, बट किसान कितना लगा के रखे थे, 5 से 10%, इसलिए ये 5 to 10 प्रॉब्लम आ पॉलिनेटर्स रहा था। पेस्टिसाइड से क्या दिक्कत है? पॉलिनेटर्स का डेथ हो की, जाता है। हाँ। न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो स्लोपी लैंड में वाटर एंड न्यूट्रिएंट लॉस जो है ड्राई ज्यादा होता है, ठीक है, ड्राई स्पेल में
प्रॉब्लम क्रिएट होता है, रेनी सीजन में प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ये तो आप लोगों ने देख लिया। अगर वाटर लॉगिंग कंडीशन है तो क्या प्रॉब्लम आएगा? प्लांट हाँ, कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन करने को नहीं मिलता पौधे को और वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट रीजंस हैं जिसके थ्रू अपन जो है कहीं ना कहीं पुअर प्रोडक्शन को जस्टिफाई कर सकते हैं कि इन पॉसिबल कारणों के कारण हो सकता है कि प्रोडक्टिविटी एप्पल की कमी आती है। और भी कई सारे कारण हैं, जब आप एमएससी में आएंगे या जब आप यूजी में पढ़े होंगे टेम्परेट सेक्शन तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, दूसरा स्पेशल प्रॉब्लम है प्री मेच्योर लीव फॉल। हम लोगों ने इसको वैसे पहले भी डिस्कस किया हुआ है, बताइए क्या होता है प्री मेच्योर लीव फॉल? अरे अंदाजा लगाओ, शब्द को तोड़ो, कुछ तो समझ में आएगा। सर, लीफ फुली मैच्योर होने के पहले ही गिर जाए प्लांट से अलग होकर के। हाँ, फुली मैच्योर होने से पहले प्लांट से अलग होके गिर सकता है, ये एक हो सकता है। और दूसरा और क्या हो सकता है, वो सोचिए। सर, सिनेसन से पहले ही गिर गई तो। देखो होता क्या है, सबसे पहले आप लोग नोट भी करते जाएंगे ना साथ साथ, ये जो प्रॉब्लम है इसको सबसे पहले कहाँ देखा गया है या सबसे ज्यादा कहाँ देखा गया है? हिमाचल प्रदेश में जो एप्पल प्लांटेशन है वहां पे ये समस्या देखी गई है। ठीक है, ठीक है, इसमें होता क्या है, यहाँ पे जो प्री मेच्योर शब्द है ना, जैसा कि आप लोगों ने अंदाजा लगाया, अंदाजा लगाने का तरीका सही था, बस थोड़ा सा अपन क्या गलत हो जा रहे थे कि मेच्योरिटी हम किसकी देख रहे थे, लीफ की, पर हमको मेच्योरिटी देखनी किसकी है, फ्रूट की। फ्रूट के मेच्योर होने के बाद नॉर्मली क्या होता है, सितंबर अक्टूबर में फ्रूट मैच्योर होता है कि नहीं? अक्टूबर में हार्वेस्टिंग होती है, उसके बाद क्या होता है, लीफ फॉल होना स्टार्ट होता है नॉर्मली। क्यों? क्योंकि वो डोरमेंसी में एंटर करता है कि नहीं? ये चीज होती है एप्पल में नॉर्मली, यस नवंबर दिसंबर के महीने में आपका लीफ फॉल स्टार्ट हो जाता है, इस समय तक फ्रूट मैच्योर होके हार्वेस्ट भी हो जाता है, तो वो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, वहां पे हमको कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वो पौधे के फिनोमेना है। लेकिन क्या हो अगर अक्टूबर में फ्रूट के मेच्योर होने से पहले ही जुलाई, अगस्त या सितंबर, या चलो अक्टूबर के महीने में, इसी महीने में लीफ फॉल होने लगे, जो कि होना कब चाहिए, नवंबर दिसंबर में, ड्यू टू डोरमेंसी नॉर्मली जो प्रोसेस है। अगर ये जो है नवंबर दिसंबर से पहले ही जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में पत्तियां झड़ने लगी, तो क्या अभी फ्रूट मेच्योर हुआ है जुलाई अगस्त सितंबर में? नो तो अभी वो कौन से स्टेज में है, प्री मेच्योर स्टेज में, मेच्योरिटी की सर, ओर जा रहा है, और अभी से लीफ फॉल होने लगे, तो इसे मैं प्री मेच्योर लीफ फॉल की समस्या कह सकता हूँ, है ना? सर तो यही होता है प्री मेच्योर लीफ फॉल, या एक यूनिक फिनोमेना है जिसमें पत्तियां जो है जुलाई अगस्त सितंबर जून जुलाई अगस्त में ही पत्तियां झड़ने लगती हैं। ठीक है, इस प्रॉब्लम को हम प्री मेच्योर लीफ फॉल कहते हैं। अब सोचो ये आपका मस्त फ्रूट सेट हुआ है, ये फ्रूट सेट हुआ है, और आपकी सारी पत्तियां जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में झड़ गई, तो अब आपको पौधे में केवल क्या दिखेंगे, फ्रूट लटकते हुए दिखेंगे फ्रूट पौधे में। तो इस समस्या में हमको फ्रूट जो है, मतलब पौधे में केवल और केवल फ्रूट दिखते हैं हैंगिंग, लटकते हुए। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, प्री मेच्योर लीफ फॉल की समस्या कहते हैं। समझ पा रहे हैं इस चीज को? यस सर। ठीक है, ये लिखिए, फिर मैं आगे का और बताता हूँ, पहले जो समझे उसको लिखो। लिखिए यूनिक फिनोमेनन, ठीक है अच्छे से लिखिएगा, यूनिक फिनोमेनन ऑफ लीफ शेडिंग, पत्तियों के झड़ने का एक यूनिक फिनोमेनन है विच स्टार्ट्स इन द मंथ ऑफ जून जुलाई, जून जुलाई। दिस
प्रॉब्लम कवर्स द होल ऑर्चर्ड बाय द टिल मिड अगस्त। समझ रहे हो? यह एक यूनिक फिनोमेना है लीफ शेडिंग का, जो कि स्टार्ट होता है इन द मंथ ऑफ जून जुलाई, और ये प्रॉब्लम पूरे ऑर्चर्ड को लगभग मिड अगस्त तक पकड़ लेता है। इन सीवियर कंडीशन, अगर कंडीशन सीवियर हो गया, सीवियर कंडीशन मतलब अब लगभग पत्ती झड़ गए हैं, तो इन सीवियर कंडीशन क्या होता है, ओनली फ्रूट्स आर सीन हैंगिंग ऑन द डिफोलिएटेड ब्रांचेस नियर मेच्योरिटी। फ्रूट के मेच्योरिटी के आसपास आप देखोगे कि केवल और केवल आपको फ्रूट जो है लटकते हुए दिख रहे हैं, पत्तियां पूरी झड़ गई हैं। ये सीवियर कंडीशन का केस है, इसे हम कहते हैं प्री मेच्योर लीफ फॉल। फ्रूट के मेच्योर होने के, हार्वेस्ट होने के बाद जनरली लीफ फॉल का टाइम आता है, जिसे हम डोरमेंसी के रूप में जानते हैं एप्पल में, पर अगर वो पहले ही आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, प्री मेच्योर लीफ फॉल कहेंगे। समझ में आया? हाँ बोलिए सर। इसमें कहीं ना कहीं फ्रूट भी अफेक्ट होता होगा ना, क्योंकि मैच्योरेशन से पहले ही अगर लीफ फॉल हो जा रहा है तो। हाँ, कहीं ना कहीं उसका आपका क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी भी रिड्यूस हो गया। अगर लीफ फॉल हो गया तो फ्रूट का डेवलपमेंट भी रिड्यूस होगा, फ्रूट उतना प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाएगा जैसा होना चाहिए। ठीक है? यस सर। ठीक, यहाँ तक की चीजें हो गई। इसको सबसे पहली बार फर्स्ट नोटिस किया गया था 1995 में। ठीक है, जो डिलीशियस ग्रुप है ना, डिलीशियस कल्टीवार्स, वो ससेप्टिबल हैं, लिखते जाइए इसको। ठीक है, इसे ही मार्सोनीना ब्लॉच भी कहते हैं, मार्सोनीना ब्लॉच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्सोनीना ब्लॉच। और इन्हीं दोनों में से, ये प्रीमेच्योर लीफ फॉल या फिर आपका रीप्लांट प्रॉब्लम, दोनों में से किसी एक के क्वेश्चन आया हुआ है अभी रिसेंट एक दो साल में जेआरएफ में, तो इसे याद रखेंगे, मार्सोनीना ब्लॉच कहते हैं। मार्सोनीना ब्लॉच क्या होता है, क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको जो कॉज करता है, इस डिजीज को जो कॉज करता है, वो कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, मार्सोनीना कोरोनेरिया, मार्सोनीना कोरोनेरिया लिखिए। मार्सोनीना कोरोनेरिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इस पर्टिकुलर डिजीज के कॉज होने में। ठीक है, ये जो है क्या करता है, पत्तियों में छोटे छोटे स्पॉट्स क्रिएट करता है, स्पॉट्स जो है धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, ब्लैक होते जाते हैं, और उससे क्या होता है, पत्तियां झड़ने लगती हैं। तो ये जो आपका मार्सोनीना है, इसी के कारण कहीं ना कहीं आपकी पत्तियां झड़ती हैं और प्रीमेच्योर लीफ फॉल की समस्या आती है। इतना डिटेल आप लोग को एटलीस्ट याद रखना है, इसमें और भी डिटेलिंग है, बट इतना मिनिमम आपके लिए सफिशियंट है। क्लियर है? ठीक है, तो कोई प्रीमेच्योर लीफ फॉल पूछे तो बता पाएंगे मार्सोनीना कोरोनेरिया कारण होता है, ये क्या समस्या है, कैसे होता है। क्लियर है? हो सकता है आपको इसका कंट्रोल पूछ दे तो याद रखेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम कंट्रोल से भी क्वेश्चन आया हुआ था अभी मैंगो के इनसेट का, है ना, कि भाई ये जो मार्सोनिनिया कोरोनेरिया है, इसके जो स्पोर्स होते हैं ना, स्पोर्स फंगस है ये, इसके स्पोर्स कहाँ पे परसिस्ट करते हैं, तो ये पौधे के नीचे जो पत्तियां झड़ी रहती हैं, तो इसे क्या कहेंगे, जो नीचे पत्तियां झड़ी हुई है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लीफ लिटर्स कहते हैं, लीफ के कचड़े। इसी में कहीं ना कहीं पत्तियां में इसके स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं अगले सीजन में फिर से और स्पोर बनाएंगे और डिजीज का इन्फेक्शन कॉज करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए स्प्रे करते हैं 5% यूरिया ऑन लीफ लीटर, ये जो नीचे कचड़े जो फैले हुए हैं उस पर हम लोग क्या करते हैं,
अपन जो है यूरिया का स्प्रे करते हैं ताकि हमारा जो इनोकुलम है, इनोकुलम का मतलब मैडम ने समझाया होगा पैथोलॉजी में, प्राइमरी इनोकुलम, कि भाई ये वही होते हैं जो भविष्य में जाके इन्फेक्शन फैलाने वाले होते हैं, वो खत्म हो इसलिए हम लोग स्प्रे करते हैं यूरिया। और कंट्रोल के लिए आप फंजीसाइड वगैरह का स्प्रे तो कर ही सकते हैं, फंजीसाइड जैसे कि मैंकोजेब, नाम आपने सुना ही होगा, 0.3% है ना, कार्बेंडाजिम 0.05%, इनका उपयोग कर सकते हो। तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये याद रखना लीफ रीडर वाला, समझ में आया प्रीमेच्योर लीफ फॉल का प्रॉब्लम सभी लोगों को? ओके यस फिर नेक्स्ट। हाँ कोई डाउट है क्या बताइए। सर, जो लीफ लीटर है उसको बर्न भी तो कर सकते हैं ना? हाँ बर्न भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप पकड़ के एक जगह इकट्ठा करके बर्न कर सकते हो, दोनों ही चीज आप कर सकते हैं उसमें, ठीक है। ओके सर। हाँ सर हाँ बोलिए। सर क्या प्रीमेच्योर लीफ फॉल में कोई पीजीआर का यूज बेनिफिशियल नहीं हो सकता है? पीजीआर के यूज से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पीजीआर का उपयोग कब होगा, जब हार्मोनल इम्बेलेंस के कारण होता है, कि मान लेते हैं कि एबीए बहुत ज्यादा हो जा रहा है और लीफ एब्सिशन हो रहा है, उस कारण अगर होता तो अपन पीजीआर में ऐसा कुछ यूज करते जो एबीए का काउंटर करें, पर यहाँ पे ये एक डिजीज है, ये प्रॉपर मार्सोनिना कोरोनेरिया जो है, इसमें जैसे लीफ ब्लॉच पड़ते हो ना आप लोग प्रॉब्लम प्लांट में, ये पूरा लीफ ब्लॉच का डिजीज है, यहाँ पे हार्मोनल इन्फ्लुएंस नहीं है, यहाँ पे पत्तियों में क्या पड़ रहा है, पहले गोल गोल पैचेस पड़ रहे हैं, फिर वो धीरे धीरे काले पड़ के जमीन पत्तियों में शेडिंग यानी कि पत्ती झड़ाने का काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हार्मोनल प्रॉब्लम कुछ होता ना तो बिल्कुल पीजीआर से आप कंट्रोल कर सकते थे। आपने कभी भी किसी डिजीज के कंट्रोल में पीजीआर नहीं देखा होगा? पीजीआर का यूज आप देखते हो उसमें, क्या नाम है, मैंगो में एक होता है ना माल फॉर्मेशन, तो वहां पे चूंकि यस सर। एमए का कुछ हार्मोनल इश्यूज क्रिएट होते हैं करके आप जो है पीजीआर का यूज करते हो, अदरवाइज डिजीज के कंट्रोल में पीजीआर का उपयोग बहुत कम होता है, ये डिजीज है इसलिए यहाँ पे पीजीआर का बहुत ज्यादा रोल नहीं, ठीक है। यस सर। सर ओके हाँ बोलिए। सर हाँ जी सर, क्या क्या पता है? फंजीसाइड आप मैंकोजेब कार्बेंडाजिम जो भी आपको फंजीसाइड पता है आप डाल सकते हो, उसमें कोई बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है। हाँ और क्या पूछ रहे थे? और कोई कुछ पूछ रहे थे क्या? चलिए फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलें। ठीक, यस सर। तीसरा एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रीप्लांट प्रॉब्लम। अब देखो मान के चलो कि आपने एप्पल का ऑर्चर्ड लगाया। हाँ बोलिए सर सॉइल का लिंक आ गया सर, क्या बोल रहे हैं। सॉइल साइंस का लिंक आ गया सर। हाँ एक काम करो आप जो है अभी फिलहाल सॉइल का क्लास कर लीजिए, इसका मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दिए रहूंगा चंद्र प्रकाश, ठीक है, कोई ओके दिक्कत सर, नहीं होगा आपको, वहां पे मिल जाएगा। हाँ ज्यादा नहीं, आधा घंटे या 15 मिनट का और क्लास बाकी है तो आपको बहुत ज्यादा नहीं छूटेगा, ठीक है। ओके सर। हाँ ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, रीप्लांट प्रॉब्लम। अब आप लोगों ने कई बार ऐसा देखा होगा कि भाई आपने ये मान के चलो 1 एकड़ 2 एकड़ में आपने ऑर्चर्ड लगाया है, ठीक है, किसी कारणवश आप देख पा रहे हो कि ये जो बीच का एक पौधा है या ये जो एक बीच का पौधा है, ये दोनों पौधे इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। अब अगर आप कमर्शियल कल्टीवेशन के फील्ड में हो तो क्या इनके मरने के बाद यहाँ पे इनकी समाधि बनाओगे क्या, या कोशिश करोगे कि चलो मर गए तो ठीक है इसको काट के बाहर फेंको और इसके जगह में हम दो नए पौधों का निर्माण करें, ये कोशिश करोगे नए पौधे लगाएं कि इनके याद में यस इन्होंने सर। हमको 5 साल तक फ्रूटिंग दिया है तो हम अब बस इसके जगह कुछ नया नहीं लगाएंगे, ऐसा कुछ तो नहीं करोगे, ऑब्वियसली सर नया पौधा लगाओगे। तो जो नया पौधा लगाओगे, पहले हमने क्या की थी इनकी, इन पुराने पौधों की प्लांटिंग की थी, इनमें से कुछ पौधे मर गए तो हमने क्या किया, कुछ नए पौधों की यहाँ पास रीप्लांटिंग की, फिर से हमने यहाँ पे प्लांटेशन किया ना, नए पौधे लाके लगाए, तो जो हम मर कोई पौधे के मर जाने के कारण, डिजीज हो जाने के कारण या किसी कारण से हमने उसको रिमूव किया,
और उसकी जगह पे जब हम नया पौधा लाके लगाते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रीप्लांट या रीप्लांटिंग की प्रोसेस कहते हैं। समझ में आ रहा है? समझ पा रहे हो ना? हमने ऑर्चर्ड लगाया, कुछ पौधे मर गए 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल बाद, तो उसके जगह पे जब हम नया पौधा लगाएंगे तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, रीप्लांट कहेंगे या रीप्लांट प्रॉब्लम, सॉरी रीप्लांटिंग। ठीक है, पर अब देखो अगर मैं ये नया पौधा लगाऊं तो कायदे से इसको, अब नया पौधा, इसके पौधे पुराने हट गए तो ये नया पौधा लगाना चाहिए, ये धीरे धीरे ग्रो करके अपना नॉर्मल ग्रोथ में आ जाना चाहिए कि नहीं आ जाना चाहिए नए पौधों को? Yes, sir. आ जाना चाहिए। पर किसी कारण से, कोई एक रीजन से ऐसा हो जाता है कि ये जो नए पौधे हम लगाते तो हैं पर ये नए पौधे सरवाइव नहीं कर पाते, या तो ये स्टेब्लिश ही नहीं हो पाएंगे, स्टेब्लिश हो गए तो उसमें फ्रूटिंग बहुत लेट से आएगी, फ्रूटिंग अगर आ गई तो उसकी ग्रोथ सही से नहीं होगी, ट्री की ग्रोथ सही से नहीं होगी, और अगर फ्रूटिंग फ्लावरिंग आ भी गई तो उस पर्टिकुलर प्लांट की लाइफ जो है 15 साल 20 साल 10 साल से ज्यादा नहीं होगी, मतलब लाइफ बहुत छोटा होगा। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो कि जब हम कोई एक नए पौधे को हमारे एग्जिस्टिंग ऑर्चर्ड में ला के लगा रहे हैं तो वो पौधा सही से ग्रो नहीं हो पा रहा है, उसकी रीप्लांटिंग सही से हो नहीं पा रही है। आपको भले दिखेगा कि आज वो ग्रो हो रहा है पर वो ग्रो हो नहीं पा रहा है प्रॉपरली, मर जा रहा है या फिर उसमें ग्रोथ सही से नहीं आ रहा है। तो इस टाइप की समस्या जब हम पौधे को फिर से लगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रीप्लांट प्रॉब्लम। ये केवल और केवल कौन से पौधे में आ रही है, जिसको हमने ये फिर से लगाया है। हमारे एग्जिस्टिंग पौधे नॉर्मली ग्रो कर रहे हैं पर हमने जिन पौधों को फिर से ला के लगाया उसमें या तो वो ग्रो ही नहीं कर पा रहे हैं, ग्रो कर ले रहे हैं तो ग्रोथ धीरे से आ रही है, फ्रूटिंग डिलेड आ रही है, उसका लाइफ साइकिल छोटा है। इस टाइप की समस्या अगर क्रिएट हो तो उसे हम क्या कहते हैं, रीप्लांट प्रॉब्लम। समझ में आ रहे हैं? Yes. Yes, ठीक है। तो आपको ऐसा फील होगा कि पौधा ग्रो जरूर हो रहा है पर वो ग्रो होगा नहीं, कुछ समय बाद मर जाएगा। समझ में आ रहा है? इतना चीज क्लियर हुआ? Yes, sir. Okay. तो इस प्रकार की जो समस्या है इसे हम लोग क्या कहते हैं, रीप्लांट प्रॉब्लम, कि भाई हमारे ऑर्चर्ड में कुछ पौधे मर गए, उसके जगह पे वैकेंट स्पेस क्रिएट हुआ, पुराने पौधों जो मर गए उसके जगह पे खाली जगह वैकेंट स्पेस प्रोड्यूस हुआ, जिसके जगह पे हमें एक नया पौधा लगाना चाहते हैं पर हम जब भी नया पौधा लगाते हैं तो उसमें किस प्रकार की समस्या आती है, पुअर ग्रोथ की समस्या आती है, डिलेड फ्रूटिंग की समस्या आती है, या फिर शॉर्ट लाइफ ऑफ एप्पल ट्री की शॉर्ट लाइफ, इस प्रकार की समस्या आपको देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की जो समस्या आपको देखने को मिलती है उसे ही हम लोग रीप्लांट प्रॉब्लम कहते हैं। ये प्रॉब्लम चूंकि रीप्लांटिंग वाले ट्री में आ रही है इसलिए इसे रीप्लांट प्रॉब्लम कहते हैं। समझ में आया? अब ऐसा क्यों हो रहा होगा कि भाई जो पुराने पौधे हैं वो तो बढ़िया ग्रो कर देंगे तो ये नए पौधे जो है क्यों वहां पे ग्रो नहीं कर पा रहे होंगे, क्या कारण हो सकता है? सॉइल में कोई नेमेटोड या इस तरीके कोई फंगस होंगे जो कि उन्हें अफेक्ट कर रहे होंगे। हाँ, होता क्या है कि भाई एप्पल के पुराने पौधे ऑलरेडी यहाँ पे थे, कोरोना की तरह है, ठीक है, एप्पल के ऑलरेडी पुराने पौधे वहां पे थे। अब भाई एप्पल के पुराने पौधों को भी तो किसी ना किसी इंसेक्ट डिजीज या फंगस ने अटैक करके रखा होगा कि नहीं रखा होगा? वहां पे जितने एप्पल के ट्री हैं सब में कोई ना कोई फंगस, नेमाटोड, सबका इंफेक्शन रहा होगा, है, अभी भी है। लेकिन चूंकि पौधे इतने बड़े हो चुके हैं कि वो उस फंगस और नेमाटोड के इंफेक्शन को झेल सकते हैं इसलिए वो पौधे आज भी जिंदा है। लेकिन जो नया नया पौधा आया है जब आप उसको जमीन में लगाओगे तो जो पुराने पौधे मरे थे वो कहीं ना कहीं इंसेक्ट डिजीज या और किसी कारण से ही तो मरे थे ना। उन पौधों को जब आपने उखाड़ के वहां से फेंका तो आप कितनों ही गहराई से सफाई कर लो उसके रूट के कुछ बहुत छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं या उस सॉइल में कुछ ना कुछ स्पोर्स आपके रह ही जाते हैं, जो कि जब नया पौधा आता है तो अब नया पौधा तो उतना मेच्योर नहीं है ना जितना पुराने पौधे थे। पुराने पौधे आज भी उन न्यूट्रिएंट, उन फंगस और नेमेटोड को झेल के जिंदा है लेकिन नया पौधे के अंदर अभी वो रेजिस्टेंस नहीं आया है।
नया पौधा उस फंगस या निमाटोड जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उस सॉइल में, उसे झेल नहीं पाता, और झेल नहीं पाने के कारण या तो वो कमजोर हो जाते हैं या तो मर जाते हैं, और उसकी लाइफ साइकिल बहुत लंबा चल नहीं पाता। समझ में आ रहा है? तो इसके कारण क्या है? इसके कारण है कुछ सॉइल बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि फाइटोफथोरा, फाइटोफथोरा या फिर पीथियम, इस प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में पहले से मौजूद होते हैं। ये हमारा सॉइल है, इसमें ये एक पौधा था, इसके ये रूट हो गए, ठीक है, ये इसका पौधा हो गया। इस रूट में पहले से सॉइल में पीथियम या फिर फाइटोफथोरा का इंफेक्शन था, ठीक है। अब ये पौधे मर गए, तो आपने क्या किया, इसको यहां से उखाड़ के बाहर फेंक दिया, लेकिन इसके कुछ रूट के टुकड़े और सॉइल में कुछ इनके इनोकुलम सॉइल में रह ही गए। जब आप कल के डेट में एक नया पौधा को ला के लगाओगे, तो ये फाइटोफ्थोरा पीथियम वहां पे जाके अटैक करेगा, और उसके बाद क्या होगा, उस पौधे में एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इसमें कई सारी चीजें हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये ऑर्गेनिज्म ही रहेंगे, निमाटोड भी हो सकता है, कुछ इनके द्वारा रिलीज केमिकल हो सकते हैं, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंट होने के कारण हो सकता है कि इतने ही एरिया में पीएच में कुछ डिफरेंस हो। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण आपका जो है रीप्लांट प्रॉब्लम आता है। पर अगर आपको कोई पूछे तो आप क्या रीजन दोगे, फाइटोफ्थोरा पीथियम को आप दे सकते हो। फाइटोफ्थोरा में कौन सा फाइटोफ्थोरा, फाइटोफ्थोरा सिल्वेटिकम, फाइटोफ्थोरा सिल्वेटिकम या फिर पीथियम पीथियम एफेनी डर्मेटम। और कहाँ पे पढ़े हो पीथियम एफेनी डर्मेटम? पपाया में डैम्पिंग ऑफ में है। डैम्पिंग ऑफ, है ना। तो पीथियम एफेनी डर्मेटम या फिर फाइटोफ्थोरा सिल्वेटिकम, इस टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं रीप्लांट प्रॉब्लम के लिए। समझ में आया क्या होता है रीप्लांट प्रॉब्लम और इसके कारण? यस सर, एक इसके कंट्रोल को और लिख लीजिए, ये लिख लीजिए। कंट्रोल में आप लिख सकते हो, एक तो सबसे पहली बात, एक रूट स्टॉक आता है, नाम आप लोगों ने सुना होगा मर्टन 793, ये रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंट टू SARD। SARD का मतलब क्या होता है, स्पेशियल एप्पल रीप्लांट डिजीज, इसके लिए रेजिस्टेंट है। तो अब आप लोग कभी भी SARD पढ़ोगे तो उसका मतलब ये है, समझ जाइएगा, ठीक है। तो आप इस रूट स्टॉक का उपयोग कर सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, लाइमिंग ऑफ सॉइल, सॉइल में आप चूना का एप्लीकेशन कर सकते हो। चूना से कहीं ना कहीं माइक्रोबियल काउंट में कमी आती है। हम लोग जब फोर्थ ईयर में रावे में थे तो हम लोगों ने ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया था बैक्टीरियल विल्ट के कंट्रोल के लिए। तो कहीं ना कहीं लाइमिंग भी पीएच को कंट्रोल करता है और आपका बैक्टीरिया फंगस का अटैक कम होता है, क्योंकि आपको पता है फंगस एसिडिक पीएच में ज्यादा काम करते हैं। लाइमिंग करोगे तो एल्केलाइन पीएच की ओर जाओगे, तो फंगल एक्टिविटी कम होगी कि नहीं होगी? तो उस सर तरीके से भी आप कंट्रोल कर सकते हो। तीसरा चीज क्या कर सकते हो, रिप्लेसिंग द सॉइल, जिस साइट पे ये प्रॉब्लम आ रहा है जहां से पौधे मरे हैं, उस एरिया का पूरा मिट्टी को खोद के रिप्लेस कर दो, तो भी आप एक अच्छा कंडीशन क्रिएट कर सकते हो। और चौथा आप क्या कर सकते हो, एंटागोनिस्टिक क्रॉप लगा सकते हो। एंटागोनिस्टिक क्रॉप मतलब आप मैरीगोल्ड लगा लो, मैरीगोल्ड वहां पे कहीं ना कहीं नीमाटोड के अटैक को, नीमाटोड के पॉपुलेशन को कम करेगा, है कि नहीं? तो इस तरीके से आप जो है अलग अलग कॉन्सेप्ट का उपयोग करके आप जो है कहीं ना कहीं ये चीज को कंट्रोल कर सकते हो। समझ में आया रीप्लांट प्रॉब्लम? सभी लोगों को क्लियर है? यस एक लास्ट 5 मिनट का टॉपिक और करते हैं, उसके बाद आप लोग की छुट्टी कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास का टाइमिंग अभी थोड़ा देर में अपडेट कर दूंगा, ठीक है। एक लास्ट चौथा जो इम्पोर्टेंट था वो था अल्टरनेट बियरिंग। अल्टरनेट बियरिंग क्या है? तो आपको पता है 2 साल में एक बार फ्रूटिंग आती है, उसे ही हम लोग अल्टरनेट बियरिंग कहते हैं। इसमें भी अल्टरनेट बियरिंग का कंसेप्ट सिमिलरली मैंगो की तरह है। ये माना जाता है कि मान के चलो इस साल ये एप्पल में दबा के फ्रूटिंग आई,
खूब फ्रूटिंग आई, देख पा रहे हो खूब फ्रूटिंग आ रही है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं अगर इसमें खूब फ्रूटिंग आई है मतलब इसमें खूब सारे फ्रूट बने, हर फ्रूट के अंदर सीड बने, तो ये माना जाता है कि सीड से निकलने वाले जो जिब्रेलिन है वो कहीं ना कहीं इन ब्रांचेस में पूरे फैल जाते हैं, और यही जिब्रेलिन अगले साल आने वाले फ्लावरिंग को रोकने का काम करते हैं। तो इस साल जो हैवी फ्रूटिंग है वो अगले साल लेस फ्रूटिंग के कारण बन जाते हैं, और आप देख पाओगे जिस ब्रांच में हैवी फ्रूटिंग हुई है उसी ब्रांच में अगले साल कम फ्रूटिंग होगी, और जिस ब्रांच में इस साल कम फ्रूटिंग हुई है उस ब्रांच में अगले साल ठीक ठाक फ्रूटिंग होगी। तो इसका मतलब क्या कि इधर क्या है सीड कम थे तो जिब्रेलिन का रिलीज कम हुआ है ब्रांच में, तो यहाँ पे फ्रूटिंग कम हुआ कम, यहाँ पे ज्यादा फ्रूटिंग आएगी, यहाँ पे कम फ्रूटिंग आएगी, तो कहीं ना कहीं जिब्रेलिन जो है फ्लावरिंग को अफेक्ट करता है नेक्स्ट सीजन में। और ये जिब्रेलिन प्रोड्यूस कहाँ से होता है, आपके फ्रूट के अंदर मौजूद सीड से। ये चीज को लकविल करके एक साइंटिस्ट थे, बहुत फेमस साइंटिस्ट है, उन्होंने प्रपोज किया था, आपको वो याद करने की जरूरत नहीं है, पर हाँ ये एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, ये जरूर आप अपने दिमाग में रखेंगे। समझ में आ रहा है? तो जिब्रेलिन ऑक्सिन ये दो मिल के क्या करते हैं, फ्लावरिंग को नेक्स्ट सीजन में इनहिबिट करते हैं, फ्लावरिंग को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा? कुछ बाइनियल बियरिंग वेराइटी के अगर आप नाम लिखना चाहो एग्जाम्पल, तो बाल्डविन करके एक वैरायटी है, BALDWIN, बाल्डविन, येलो न्यूटन, इनमें आपको अल्टरनेट बियरिंग देखने को मिलेगा, कॉक्स ऑरेंज पिपिन एंटोनोवोकास, ये सब कुछ वैरायटीज हैं जिसमें आपको जिब्रेली वो अल्टरनेट बियरिंग देखने को मिलेगा। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जिब्रेलिन है, और जिब्रेलिन का ही कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसको आप बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते हो यूजी लेवल पे, अदरवाइज भाई ऑब्वियसली इस साल ज्यादा फ्रूटिंग होती है तो इसका स्टोरेज मटेरियल खाना खत्म हो जाता है, उसके कारण भी अगले साल नहीं हो पाता, CN रेशियो के कारण भी अगले साल फ्लावरिंग नहीं आ पाती, आप फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट मीडिया सही से नहीं दोगे, पॉलिनेशन सही से नहीं करोगे, उसके कारण भी अगले साल नहीं आती, वो सारे रीजन है अल्टरनेट बियरिंग के जिसके बारे में आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आइडिया है, पर ये जो जिब्रेलिन वाला कॉन्सेप्ट है ना इसकी आइडिया में थोड़ी सी कमी रहती है, इसलिए इसको याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और पूछने वाला इसको पूछेगा। क्लियर है ये चीज? यस ठीक है, जिन्होंने मैंगो पढ़ा है उनको तो बहुत अच्छे से समझ आई थिंक आ गया होगा अभी तक, जो नहीं पढ़े उनको अभी अपन जब मैंगो पढ़ाएंगे ना तो इसको पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा? ठीक, अब अगर अपन बात करें कंट्रोल की, तो इसकी कंट्रोल की बात करें तो एक तो आप इथेफोन का उपयोग कर सकते हो अल्टरनेट बियरिंग के लिए। इथेफोन क्यों? क्योंकि इथेफोन क्या करता है, इंड्यूस करता है फ्लावरिंग, ठीक है। दूसरा आप SADH का उपयोग कर सकते हो, मैंगो में आपने SADH और पेक्लोब्यूटराजोल तीन दोनों का उपयोग किया था, याद है? यस क्यों? सर क्योंकि SADH और पेक्लोब्यूटराजोल क्या है, एंटी जिब्रेलिन है। अब जिब्रेलिन फ्लावरिंग को रोकता है तो ऑब्वियसली एंटी जिब्रेलिन फ्लावरिंग को क्या करेगा, करेगा प्रमोट करेगा, तो प्रमोट करता है फ्लावरिंग को, और दूसरा चीज बढ़िया प्लांट के ग्रोथ को भी रिड्यूस करता है। तो ये चीज को आप याद रखेंगे, देखो अगर आप इनके पीछे के लॉजिक्स को समझो, कंट्रोल को समझो और कॉन्सेप्ट को समझो, तो होगा क्या कि हो सकता है आपने किसी हार्मोन को याद ना किया हो सकता है आपके ग्लस्टस इंस्टेंट में दिया हुआ हार्मोन को ना पूछा हो, लेकिन आप उसके पीछे के लॉजिक को सोचोगे तो शायद आप करेक्ट ऑप्शन की ओर मूव करो, आप रिस्क लेने के केस में हो। देखो दो प्रकार के लोग होते हैं, तुक्का ना हर आदमी मारता है, एक आदमी सिक्का उछाल के मारता है और एक आदमी दिमाग लगा के मारता है। सिक्का उछाल के मारने वाले का ना 10 में से 2 क्वेश्चन सही होता है, लेकिन जो थोड़ा बहुत लॉजिक लगा के एलिमिनेट करके आंसर बनाता है उसके 10 में से 8 तुक्के सही होते हैं। तो आपको डिसाइड करना आप किस तरीके से तुक्का मारोगे, और हाँ जो 10 में से 8 सही मारता है ना तुक्का, वो ना अपने इंस्टिंक्ट के थ्रू सही तुक्का मारता है, उसका इंस्टिंक्ट जो होता है ना, उसका जो लॉजिकल रिलेशन बनाने की कैपेसिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, और सिक्का उछालने वाले केवल सिक्का उछालना, उससे ज्यादा कुछ करना नहीं है, तो वो कितना तुक्का मार ले टॉप नहीं कर सकता, लेकिन जो लॉजिकली तुक्का मारता है कि हाँ ठीक है इसमें ये हुआ इसलिए ये हो सकता है, इस हिसाब से मैं इन दो में से किसी एक में तुक्का मारूंगा, तो वो बंदा ज्यादा सही मारता है। और इंस्टिंक्ट ये जो जो डेवलप होता है ना कि ये हो सकता है वो हो सकता है, सोचने की कैपेसिटी ये तब डेवलप होती है जब आप ना दुनिया भर की फालतू चीजें पढ़ते हो।
आप दुनिया भर की चीजें सुनते हो, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें पढ़ते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक तुक्का मारने में हेल्प करता है। तो वो चीज याद रखना। जैसे कि कोई एक बंदा जो नॉर्मली ग्लोस्टस पढ़ के जाएगा, वो क्या बोलेगा, हाँ एसिडीएस फ्लावरिंग प्रमोट करता है इसलिए यही तुक्का मारूंगा, गलती से वहां जाके भूल गया तो वो उसको बना ही नहीं पाएगा। लेकिन वही आप में से अगर कोई बच्चा जो सही से पढ़ा है, तो वो बोलेगा कि फ्लावरिंग को रोकने का काम जिब्रेलिन करता है, ऐसा हमने सुना था, और एंटी जिब्रेलिन के लिस्ट में कहीं ना कहीं हमने एसीडीएच और पेग्लोबिट्रोजुल पढ़ा था। तो मुझे ये तो नहीं पता कि एसीडीएच ही यहाँ पे यूज होता है क्या, लेकिन एसीडीएच चूंकि एंटी जिब्रेलिन है और जिब्रेलिन फ्लावरिंग रोकता है, तो हो सकता है एसीडीएच फ्लावरिंग को प्रमोट करता हो। ऐसा अगर आप तुक्का मारोगे तो आपके सही होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे एक नॉर्मल सिक्का उछालने वाले के कंपेरिजन में। समझ में आ रहा? इसलिए ये जितनी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्चुअल चीजें ना फोर्थ ईयर में, खासकर जो बच्चे थर्ड ईयर वालों को तो पढ़ना ही है पूरा डिटेल, वो कोशिश करो कि अभी भी समय है, अभी तक एग्जाम फॉर्म नहीं आया, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो। जब पढ़ते हो एक कहानी के तौर पे पढ़ो, याद बिल्कुल नहीं करना, एक सरसरी कहानी के तौर पे पढ़ो। और जब आपका मेन एग्जाम आएगा तो सिर्फ कॉम्पिटिटिव बुक पढ़ो, आपके दिमाग में ये चीजें ऑलरेडी बस जाएंगी, आप सही ही बनाते आओगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसलिए इतना कहानी बताता हूँ, नहीं तो मेरे लिए तो बता रहा हूँ सबसे ज्यादा लंबा फ्रूट पी क्लास चलती है, मैं तो इसको 40 क्लास में खत्म कर दूं, लेकिन कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, यहां तक ये चीज क्लियर हुआ? तो कोशिश हमेशा उसी चीज पे रखो। तीसरा चीज आप कर सकते हो पार्शियल डी फ्रूटिंग, पार्शियल डी फ्रूटिंग कह लूं या फिर फ्रूट थिनिंग कह लूं। अब एक बात बताओ, जिस साल बहुत ज्यादा मात्रा में फ्रूटिंग आई है, उस समय अगर मैं कुछ फ्रूट को झड़ा दूं, तो फ्रूट झड़ाने से क्या होगा, सीड की नंबर भी कम होगा, जिब्रेलिन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। दूसरा आपका जो है कहीं ना कहीं रिजर्व फूड जो सारा यूज हो जा रहा था वो बच जाएगा, तो हो सकता है अगले साल अच्छे मात्रा में फ्रूटिंग आ जाए, ये हो सकता है ना। यस तो वही है पार्शियल डी फ्रूटिंग या फ्रूट थिनिंग इन ऑन ईयर। ऑन ईयर में हम कम कर देते हैं फ्रूट को, ताकि ऑफ ईयर में थोड़े और फ्रूट मिले। ठीक है, इसके अलावा नाइट्रोजन एप्लीकेशन इन ऑफ ईयर, ऑफ ईयर में नाइट्रोजन एप्लीकेशन, इसका रीजन क्या हो सकता है? सी एन रेशियो हाई होने से फ्लावरिंग होती है, और सी एन रेशियो लो होने से वेजिटेटिव ग्रोथ आता है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका वेजिटेटिव ग्रोथ इस पर डेवलपमेंट होगा जो एक साल बाद मेच्योर होगा, और आई थिंक उसमें फ्लावरिंग आएगा, ऐसा कुछ कंसेंट्रेशन है। ये वाला को नोट मत किए रहिएगा, इसका एक बार मैं कॉन्सेप्ट क्या है वो खोजने की एक बार कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो इन तरीकों से आप कहीं ना कहीं अल्टरनेट बियरिंग को आप रोक सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर देखो, ये जितनी चीजें हम लोग आपको बताते हैं ना, देवाशीष सर आते हैं कभी कभी आपको 3 4 बातें बताते हैं या मैं बताता हूँ, किसी भी बुक में एज इट इज जैसा हम बताते हैं वैसा आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आप चाहो तो हैंडबुक पढ़ लो, टीके बोस पढ़ लो। होता क्या है, हम फिजियोलॉजी की भी बुक पढ़े हैं, हम ब्रीडिंग की भी बुक पढ़ेंगे, हम जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो जियोग्राफी भी पढ़ रहे हैं। ये सारी चीजों को जब पढ़ते हैं तो दिमाग में एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, इंस्टिंक्ट डेवलप होता है, और वो इंस्टिंक्ट के बेसिस पे हम खोजने की कोशिश करते हैं कि इसका कारण क्या हो सकता है, और कभी कभी वो कॉन्सेप्ट वहां पर रिलेट कर जाते हैं और उसके थ्रू हम लोग आपको आंसर दे पाते हैं। आप सोचिए, अगर आप केवल ग्लोस्टर्स की बुक पढ़ो तो फर्स्ट ईयर का बच्चा भी अगर आपको सवाल पूछेगा ना, तो आप उसको जवाब नहीं दे सकते, दे पाओगे क्या? क्योंकि आप केवल उतना बताओगे जितना उस बुक में लिखा है, आप सीधा वन लाइनर जवाब दोगे। लेकिन जैसे ही आप थ्योरी बुक पढ़ लेते हो, तो आप फोर्थ ईयर क्या एमएससी का बच्चा भी आके आपको सवाल पूछे ना, तो भी आप जवाब दे सकते हो, क्योंकि उस बेसिस पे आपका कॉन्सेप्ट और इंस्टिंक्ट डेवलप होता है, और कॉन्सेप्ट गलत नहीं होते, वो जवाब देने में हेल्प करते हैं। तो आप अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर करो, थर्ड ईयर वालों के पास बहुत समय है, आप वैसे ही प्रिपेयर करो। फोर्थ ईयर वाले तो वैसे भी एक साल से तैयारी कर ही रहे हैं, तो बहुत हद तक डेवलप हो चुके हैं, और बाकी समय भी उसी पे दो, ऑब्वियसली चीजें डेवलप होंगी। वेजिटेबल को भी फ्लोरिंग, क्योंकि कितना याद करोगे, याद करना इतना आसान थोड़ी है। ठीक है, समझ में आया? ठीक, यस तो आपकी क्लास बहुत लंबी खींच गई है ऑलरेडी आप लोगों की। अपन थोड़ा देर में और एक क्लास करेंगे, या इवनिंग में करें, इवनिंग में कर पाओगे आप लोग? यस सर, यस ठीक है। इवनिंग में 4 बजे के आसपास, 4 से 5 बजे के आसपास अपन एप्पल का बाकी क्लास कर लेंगे। ठीक है, इवनिंग में मैं आप लोग को बाइनियल बियरिंग हैबिट तक हो गया है, फ्रूट थिनिंग, पार्थिनोकार्पी, फ्रूट ड्रॉप, फ्रूट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइपनिंग, मेच्योरिटी इंडाइस, ग्रेड, यहां तक का पूरा चीज खत्म कर देंगे। फिर केवल और केवल न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी,
डिसऑर्डर रूट स्टॉक और आपका क्या बचता है वैरायटी, इतना ही बचेगा और जो की पॉइंट है। तो दो तीन दिन में आपका एप्पल खत्म हो जाएगा ताकि अपन बाकी चीजें कंप्लीट कर पाए। तो इवनिंग में एक क्लास और करते हैं और न्यू बैच वाले जी। हाँ बोलिए। 6 या 7 बजे हो सकते हैं क्या सर? 6-7 बजे आज संडे में दिक्कत हो जाएगा क्योंकि ना संडे है तो सबको बाहर जाना होता है, हम लोग को भी हफ्ते में एक ही दिन छुट्टी मिलता है। तो 4 से 5 करने की कोशिश करते हैं, 5 से 6 कर लेंगे ठीक है। फिर आप लोग क्या संडे भी थोड़ा एंजॉय करिए इवनिंग को ठीक है। और अभी गर्मी इतनी है कि उससे पहले कोई निकलेगा नहीं तो अपन दोपहर में क्लास कर लेते हैं।